हेलो फ्रेंड्स, पूजा की किचन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, 16 सोमवार के व्रत भी शुरू हो चुके हैं, तो उसमें मीठा तो खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आपके साथ मीठी सेवैयों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी सी हमारी सेवैयाँ बनकर तैयार हुई है। आप इसे डेजर्ट के रूप में भी खा सकते हैं। बहुत ही रसीली हमारी सेवैयाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब इसे बनाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें देसी घी ले लिया है और एक अच्छे से गर्म होने देते हैं और 1 कप के करीब इसमें मैंने सेवैयाँ ले लिया। इसे अच्छे से हम इसे फ्राई करना है। वैसे तो ये रोस्ट की हुई सेवैयाँ हैं, मैंने उसको थोड़ा सा और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसे फ्राई कर रही हूँ। 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसे हमें। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। अच्छे से हमारे ये फ्राई हो चुकी हैं, देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी ये सेवैयाँ बनकर तैयार होंगी। ये देखिए मैंने निकाली एक प्लेट के अंदर, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब घी ले लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़े से बादाम चौक किए हुए डाल देते हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। अब इसमें हम काजू भी ऐड कर देते हैं, काजू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे भी थोड़ा सा ही फ्राई करना है हमें कलर चेंज होने तक। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसमें हम किशमिश भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो सारे ड्राई फ्रूट फ्राई भी एक साथ कर सकते हैं। किशमिश जल्दी से फ्राई हो जाती है, इसलिए मैंने अलग अलग फ्राई करे हैं सारे ड्राई फ्रूट को। इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए हैं। देखिए ये मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसमें 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है। पानी इसलिए डाला है कि नीचे से हमारा दूध बिल्कुल भी लगे ना। आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं आप। एक इसके अंदर उबाल आने देंगे और जब तक हमारा दूध के अंदर उबाल आ रहा है, एक मैंने आम ले लिया है। आम को अच्छे से हम छील लेंगे, अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारी सेवैयों के अंदर। बहुत ही टेस्टी सी हमारी आम की फ्लेवर की सेवैयाँ बनकर तैयार होंगी। इसे हम इस तरीके से सारे को छील लेंगे और इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। अब इसे मैंने मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। हमने इसे एक कटोरी में निकाल लिया, इसे बिल्कुल चिल्ड होने के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। आज देखिए हमारा दूध के अंदर भी एक उबाल आ चुका है। अब इसमें हम सेवैयाँ जो हमने फ्राई कर रखी थी वो डाल देते हैं और इसको अच्छे से उबाल आने तक चलाते रहेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं 2 इलायची डाल रही हूँ। मैं इसको साबुत इलायची के दाने डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इलायची का हमारी सेवैयों के अंदर। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हमारी डिलीशियस की हमारी सेवैयाँ बनकर तैयार होएगी। मीठे के लिए अब इसमें हम 1/2 कप के करीब चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। तो इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से पकने देंगे 2-4 मिनट के लिए। दूध के अंदर देखिए हमारे उबाल आ चुका है। देखिए अब यानी कि हमारी सेवैयाँ बनने में टाइम नहीं लगेगा, झटपट से हमारी सेवैयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। अब इसमें हम जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई कर रखे थे वो डाल देते हैं, काजू बादाम किशमिश वो ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से और भी अच्छे से पका लेते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये सेवैयाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। देखिए हमारी सेवैयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही ठंडी हो चुकी है हमारी सेवैयाँ। आप चाहो तो इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, इसे हम ठंडा करके खाएंगे। मेरे बच्चों को तो ठंडा बहुत ही पसंद है। हमने जो आम का पल फ्रिज में चिल होने के लिए रखा था, अब इसमें हम वो मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा आम का। आपने नॉर्मल तरीके की तो सेवैयाँ खाई होगी, मगर इस तरीके से आपने आम की सेवैयाँ नहीं खाई होगी। अब ये बिल्कुल अच्छे से हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं।
आज मैं आपको दो तरीके से प्लेटिंग करके दिखाऊंगी, दोनों में से कोई सी भी आपके बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी पसंद हो तो आप उस तरीके से खिला सकते हैं। ये देखिए हमने उस पर अच्छे से प्लेटिंग कर ली। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर लेते हैं मीठे के अंदर। जब तक हम अपने ड्राई फ्रूट ना डालें तो हमारे मीठा जो है बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं लगता है टेस्ट। इसमें हम थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता हम ऐड कर लेते हैं। बाहर मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है सेवैयाँ, आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। ये देखिए हमने पहले वाली प्लेटिंग कर ली है, अब मैं आपको दूसरी तरीके से प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। देखिए आप इस तरीके से भी प्लेटिंग कर सकते हैं। देखिए बच्चों को तो इस तरीके से बहुत ही पसंद होता है खाना। अब इसमें मैं थोड़े से मैंने आम बारीक चॉप कर रखे थे वो डाल देते हैं। बच्चों को ये खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इस तरीके से ज़रूर बच्चों को खिलाइएगा बना के। बच्चों को सजावट वाली चीज़ें बहुत ही पसंद होती हैं। ये देखिए अब इसमें थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर लेती हूँ, काजू, बादाम। इस तरीके से हम सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे, किशमिश भी ऐड कर लेंगे। देखिए अगर आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे नॉर्मल डेज में भी बनाकर खा सकते हैं। अब इसमें थोड़े से पिस्ता भी ऐड कर देंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से प्लेटिंग करके दिखा दिया, आप इसे किसी तरीके से भी खा सकते हैं। देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया। देखिए दिखने में बहुत ही टेस्टी बनकर हमारी तैयार हुई है सेवैयाँ। आप इसे दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो जरा सी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।